हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ रामलला पेंटिंग का प्रोसेस और उसकी जर्नी को। पेंटिंग मैंने स्टार्ट करी थी अप्रैल में नवरात्रों के टाइम और मई एंड में मैंने ये पेंटिंग कंप्लीट कर ली है। पेंटिंग से रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चंस मेरे को आए हैं, उनका मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। सो ये थे सभी क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपने पेंटिंग में कौन से कलर यूज़ किए हैं। पेंटिंग में मैंने कलर यूज़ करे हैं स्टूडेंट ऑयल कलर्स। सेकंड क्वेश्चन है कि आपने गोल्डन कलर का क्या लगाया है। ये गोल्डन कलर की एक शीट थी मेरे पे, फॉइल टाइप की में है। इसको मैंने कट किया है ज्वेलरी के शेप में और बस इसको स्टिक करा है। थर्ड क्वेश्चन है कि इस शीट को क्या कहते हैं। ये है ऑयल शीट, ये स्पेसिफिकली ऑयल कलर्स के लिए ही यूज़ होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको सेम स्टोन्स कहाँ से मिले हैं। ये सेम स्टोन्स तो इक्वल नहीं है, बट ये स्टोन्स मैंने परचेज़ किए हैं लोकल मार्केट से और मैंने रामलला की इमेज के अकॉर्डिंग उनकी ज्वेलरी में जहाँ पे जो कलर यूज़ हुआ है उस वे में लगाए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या ये पेंटिंग सेल करने के लिए है। यस, ये पेंटिंग सेल करने के लिए है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है इस पेंटिंग को बाय करने में तो मुझे इंस्टाग्राम में DM ज़रूर करें। मैंने अपना इंस्टाग्राम ID का लिंक कमेंट में पिन कर दिया है, आप उसको ज़रूर चेक करें। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। काफ़ी डिटेल्ड वर्क है, मैंने बहुत पेशेंटली इस वर्क को कंप्लीट किया है। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसी सपोर्ट करते रहें।